बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और प्रोग्रामिंग के टॉपिक के अंदर से कॉन्स्टेंट्स के आज हम कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि कॉन्स्टेंट किस तरीके से काम करते हैं और क्यों हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कोड लिखते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो मेन रोल चीज़ें प्ले करती हैं। पहली चीज़ जिसे आप कॉन्स्टेंट कहते हैं और दूसरी जिसे आप वेरिएबल्स कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले बुकिश। कॉन्स्टेंट्स आर द क्वान्टिटीज हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वर्ड जो एग्जीक्यूशन है, इसका मतलब होता है रनिंग। जब आप किसी भी प्रोग्राम को चला देते हैं, रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को तब्दील नहीं कर सकते। अब होता क्या है, बेसिकली हमारी जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर हम एक लोकेशन को फिक्स कर देते हैं और उस फिक्स लोकेशन के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को, यानी कि कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट लेना है कि आम तौर पर हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं। उनमें जो फर्स्ट 13 हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए बी सी डी। जब हम फर्स्ट 13 को एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती, कैन नॉट बी चेंज। सिमिलरली जो नेक्स्ट 13 है आपके पास, यानी 14 से लेकर 26 तक, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अब एज अ वेरिएबल की एग्जांपल आपको छोटी सी देता चलूँ कि जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो सम टाइम आपने देखा होगा आपके पास लिखा होता है m इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है m इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट लिखा हुआ आता है m इज इक्वल टू 3, या माइनस में या पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपके पास m है वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2, तो 2 क्या होता है, 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। जब आपने इसको फिक्स कर दिया तो अब ये वैल्यू फिक्स ही रहेगी। इसकी एग्जाम्पल एक और भी इस तरीके से हो सकती है कि लेट्स सपोज आपने कोई ऐसा कैलकुलेटर बनाया या ऐसा कोई प्रोग्राम या कोड लिखा जो सिर्फ 2+2 का सम निकालता है। अब होगा क्या कि हमने उसके बैकएंड के अंदर जो कांस्टेंट यूज़ किए हैं वो सिर्फ कांस्टेंट लिखे हैं, यानी हमने वहाँ फिक्स कर दिया कि 2+2। अब आप वहाँ 3+3 लिखें वो नहीं लिखेगा, 4+4 लिखें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जस्ट 2+2 को ही एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती, ना ही चेंज होना पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि हम जो आजकल के दौर के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें तो वो कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है कि उस पर आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं और किसी भी वक्त आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसके बैकएंड के ऊपर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली दोबारा आप बुक की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टेंट आर द क्वान्टिटीज, वो क्वान्टिटीज जिनकी वैल्यू कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं, तो उस दौरान आप इन वैल्यूज को तब्दील नहीं कर सकते। बिफोर एग्जीक्यूशन जिस वैल्यू को आपने कोड के अंदर फिक्स कर दिया वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं आप कि कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं। कांस्टेंट की दो मेजर टाइप्स हैं, पहली आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरी हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट। याद रखिएगा कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन किसे कहते हैं हम, कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं और नंबर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको इंडिविजुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि हम बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं,
अब आपने ऑनलाइन कहीं फॉर्म फिल करना शुरू किया तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि एंटर यूर नेम। लेट्स सपोज आपने वहाँ नेम एंटर कर दिया अरसलान, ज़ाहिर है किसी और ने भी उसी जब फॉर्म को फिल किया तो वो वहाँ कोई और नाम लिखेगा, किसी थर्ड पर्सन ने जब उसको ओपन किया तो वो वहाँ पर कोई और नेम लिखेगा। अब हो क्या रहा है, बेसिकली जो नेम हम लिख रहे हैं वो उसके डेटाबेस में एज अ वेरिएबल सेव हो रहे हैं, यानी पीछे उन्होंने एक एज अ वेरिएबल कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर वो वैल्यूज़ जाके डिफरेंट वैल्यूज़ जाके सेव हो रही हैं। अब जब किसी भी शख्स का कोई नाम लिखा जाता है तो वो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी ए बी सी डी, कभी 1 2 3 नहीं आता किसी के नाम में, यानी कि आपने कभी नाम नहीं सुना होगा अरसलान 1 2, ऐसा कोई नेम नहीं होता। अब जब आप स्ट्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा दो स्पेसिफिक जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर वन, जब आपने सिंपल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना हो तो तब आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो बड़ी सिंपल सी निशानी है कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स का वर्ड आप लिख दें और उस वर्ड के आपने इर्द गिर्द डबल कोटेशन मार्क्स लगा देना है। बेसिकली ये डबल कोटेशन मार्क्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, तो आम तौर पर जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास नेम के अलावा जो सबसे डिफरेंट एक फील्ड हमें फिल करने के लिए दी जाती है वो होता है एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है कि अब आपके पास दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल होते हैं और दूसरा आपके पास नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब कभी भी आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आप जो वहाँ कांस्टेंट की टाइप मेंशन करेंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट की टाइप होती है। अब जब भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। अगर आप हाउस नंबर 107 लिख दें और डबल कोटेशन मार्क्स हटा दें तो यहाँ पर आपका जो बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कोड है वो सिंटैक्स एरर शो कर देगा। सिंटैक्स एरर का क्या मतलब होता है कि आपने लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं किया। अब अगर मैं उसी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ तो आपकी बेसिक लैंग्वेज का जो सेंटेक्स है वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो इन इन्वर्टेड कॉमास से देखते ही इस बात का आइडिया लगा लेगा कि ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सेकंड टाइप जो आपके पास कांस्टेंट क्या, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। नाम से जाहिर है कि न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स। ऐसी टाइप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिख दिए हैं, ये आपकी बुक में लिखे हुए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं आप ये लिखें, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो इन सिंपल आपने सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि जब भी आप एज अ कॉन्स्टेंट नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे जो आप डेटा टाइप लिखेंगे उसे आप न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कहेंगे, और जब भी आप अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ए बी सी कुछ भी, तो उसके पीछे जो आप डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि अगर सिंपली मैं यहाँ पर ए लिख दूँ तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। असूलन इसकी कैटेगरी जो बनती है वो आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट बनती है, लेकिन हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट के एक पॉइंट को तो सेटिस्फाई किया है, दूसरे पॉइंट को नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके इर्द गिर्द डबल कोटेशन मार्क्स का होना ज़रूरी है। अगर मैं डबल कोटेशन मार्क्स लगाता हूँ तो फिर तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की टाइप में एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं लगाता तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिंटैक्स एरर शो कर देगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 बुक से है और राउंड नंबर 3 की रिवीजन चल रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आज के इस टॉपिक में से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।